Hey guys, welcome back to my channel. तो आपकी दोस्त शिप्रा आ गई फिर से नई वीडियो के साथ में. और अभी दोपहर का टाइम है, 3 बज रहे हैं. और ये देखो दोनों, इनको तो बस एक ही काम है, दोनों फोन में गेम खेलते रहते हैं. और इनको कहो पढ़ लो, इनको गुस्सा आता है. क्या कर रहे हो? क्या देखनी है? कौन सा गेम खेल रहे हो आज? देखो मेरे माइनक्राफ्ट का घर. देखो ये माइनक्राफ्ट भी का खेल सकते हो. कौन कौन से गेम खेलते हो? और GTA 5. ये बहुत शैतान हो गया और बहुत ही शैतान हो गया, इसलिए पूरी शैतानी के रिकॉर्ड बना रखे हैं आजकल. बात ही नहीं सुनता अपनी बात मनवाने के लिए. बहुत ही बदमाश हो गया है जब से ये बीमार हुआ है ना, उसके बाद से. बाकी चीजें खा रहा हूँ, मतलब इसको खाने में पता नहीं भाई क्या मजा आ रहा है. जब से बीमार हुआ है पहले तो घर का खाना इसको अच्छा लगता है, बाहर की चीजें अच्छी लगती है. मम्मी जब तक चिप्स नहीं खिलाओगी, जब तक मैं आपके ऊपर चढ़ के बैठा रहूंगा. मम्मी मुझे वो खाने का मन लग रहा है, जूस. जूस खाने की चीज है? कितना मजा आ रहा है. मुझे जूस खाना है मम्मी. तुम्हें रोज अलग अलग चीज खाना पड़ता है. चटोरे कैसे हो गए तुम बीमार? मम्मा पापा ने वादा करा था कि टॉफी दे देंगे. ये रोज इसको एक नई चीज, ये कहता है मम्मी आज मोमोज खिला दो, मम्मा आज चिप्स खिला दो, मम्मा आज. देख बंदर की तरह. मम्मी बेचारी इसकी तबीयत खराब. गंदे गाइस है. गाइस गंदे हैं. गाइस थप्पड़ मारे थे. गाइस थप्पड़ मारोगे तो एक लाइक भी नहीं दोगे. लाइक दे देना सब अच्छा कर के लिए, ठीक है? आपको चिप्स खाने दो अभी ना खाना. दोस्तों मैं हूँ अपने किचन में और लंच में आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया. मेरे हस्बैंड के नाक में इतनी स्वेलिंग हो रही है, उनको बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने उसके लिए मीठा दलिया बनाया. और सुबह आज ब्रेकफास्ट में मैंने आलू के पराठे बनाए, वो खा ही नहीं पाए. फिर मैंने उनको दूध के साथ बिस्किट वगैरह दिए और वो पूरी रात बहुत परेशान रहे, पूरा स्वेलिंग से ना पूरा मुंह सूज गया उनका. तो अभी मैंने सोचा लंच में फिर फालतू चीजें क्या बनाती हूँ, उनको खाना नहीं है. और यार मतलब सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं कि पूरा दिन खाना बनाने में और घर की क्लीनिंग में निकल जाता है. आज इसके लिए टाइम ही नहीं बचता. अभी श्रीजा के लिए बनाती हूँ पराठा, सक्षम तो दलिया खा लेगा बड़ा आराम से. और शाम को भी कुछ लाइट ही बनाना पड़ेगा. तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, रात में स्वेलिंग होती है तो आप लोग क्या करते हो यार? मतलब आप दोनों ने दवाई ले ली लेकिन रात में अगर इमरजेंसी में कभी ऐसे दर्द हो जाए अचानक से फिर क्या करना चाहिए? तो मैं तो रात बहुत टेंशन में आ गई, कभी मैं उनको गर्म पानी दे रही हूँ थोड़ा सा मुंह में रखो और कभी कुछ दे. एक्चुअली उनको किडनी की प्रॉब्लम है तो मैं उनको टैबलेट नहीं दे सकती ना, मतलब उनको कोई पेन किलर नहीं दे सकती. अगर जैसे नॉर्मली मेरे को कभी किसी चीज़ में दर्द हो तो मैं पेन किलर वगैरह ले लूँ, बट उनको कुछ नहीं दे सकती तो बहुत टेंशन हो जाती है मुझे. और एक्चुअली मुझे कल एक शादी में भी जाना है, शादी घर की है, रामराज है मेरी ससुराल में. तो पता नहीं आज जाऊँगी या नहीं, उनकी सेहत कुछ अच्छी सी रहेगी तो ही जाऊँगी, क्योंकि सक्षम भी अभी बीमार हो उठाया और शादी घर की है. क्या करती हूँ, जाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी. और आप मुझे बता कि इमरजेंसी में अगर दांत में दर्द हो जाता है तो क्या करना चाहिए, और छोटे मोटे घर की चीजें तो मैं आपके साथ करूंगी. सो गाइस अभी मैं थोड़ा सा जा रही हूँ बाहर. एक्चुअली मैंने आपको बताया कि कल को मेरे को एक मैरिज में जाना है, तो अभी कन्फर्म नहीं है कि जाऊंगी या नहीं जाऊंगी. कोशिश करूंगी जाऊंगी, क्योंकि घर पर शादी होती है कंट्रोल नहीं होता है ना, रुका नहीं जाता. तो मैं सोच रही थ्रेडिंग करा के आऊँ, थ्रेडिंग अच्छी नहीं हो रही है. सुबह को फिर लगेगा यार कराती तो अच्छा होता, फिर मुझे बहुत खराब खराब फील होता रहेगा. इससे बेटर है कि चली जाऊँ और करा. तो गाइस अभी मैंने डाली है स्वेटर क्योंकि बाहर है काफी ठंड, और अभी मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने. थ्रेडिंग कुछ खराब सी हो रही है. एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मुझे जाना है शादी पे कल को, फैमिली की शादी है, अपने बच्चे की शादी है. और हस्बैंड के दांत में बहुत दर्द हो रहा है मेरे तो. और देखो कोशिश करते हैं रात को ठीक रहते हैं, तो सुबह को कोशिश करेंगे कि जाएं, घर की शादी है क्योंकि. मैं सोची थ्रेडिंग करा के आ जाऊँ, अगर नहीं कराई फिर सुबह को मुझे ये लगेगा यार करा लेती और जाना जाने लगी तो फिर कुछ अजीब सा लगता रहेगा, शादी में अच्छा नहीं लगता ऐसे. तो चलिए मैं आपको अपने साथ में लेके चलती हूँ. आ गया पानी, अरे आ गया, शुरू कर दिया.
से मोटर बंद कर दे करू नहीं मोटर बंद करके तो आ जाएगा पर वैसे ही नहीं आया अभी आया ही नहीं इस टाइम तक नहीं तो रुला जाता है गाइस मैं जा रही हूँ पार्लर थ्रेडिंग कराने और मैं सोच रही हूँ जो ब्यूटी पार्लर वाली वहाँ पे जो ब्यूटी पार्लर वाली गुड़िया होती है ना गुड़िया गुड़िया उससे भी अपना चैनल सब्सक्राइब करा के आऊंगी क्योंकि कोई अपने आप तो कर ही नहीं रहा यार तो ढूंढ ढूंढ के जो भी मिलता है उसको पकड़ के उससे सब्सक्राइब करा लेती हूँ। सो गाइस ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आई थिंक आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नए ब्लॉग में बाय बाय दोस्तों।